अब सीएम से लेकर डिप्टी सीएम वासुदेव देवनानी, विधानसभा स्पीकर सब मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे हैं दूसरी तस्वीर में, आप देख सकते हैं। ओम बिरला तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। तो तमाम मंत्रीगण लोग इस बार योग दिवस पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह दिन की जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत योग के साथ करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए योग की प्रक्रिया बेहद ही महत्वपूर्ण है, और वही करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। सुबह से भी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप भी प्रेरित हों। और अगर आज के दिन अगर आपने योग नहीं की है, अभी तक नहीं किया है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं, तो आज व्यस्तता में से, अपने थोड़े से बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर आज के दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने आप को एक कदम फिट की तरफ, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखने की तरफ अग्रसर होकर आज से ही वो दिन आप चुन सकते हैं जिस दिन आप ये प्रतिज्ञा करें कि आज से वो 5 मिनट ही अगर आप निकालें, लेकिन निकालेंगे जरूर, वो भी अपने लिए। तो ऐसे में स्टेडियम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर योग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही और मंत्रीगण भी इस वक्त मौजूद है। दूसरी तस्वीर पार्लियामेंट के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर योग दिवस पर ओम बिरला पहुंचे हैं और साथ ही सभी अन्य लोग जो है योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली के लोधी गार्डन की तस्वीर, जहां पर अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं। और अश्विनी वैष्णव को हालांकि हमने इससे पहले भी देखा है, वो काफी अपने फिटनेस को लेकर जो है काफी जागरूक नजर आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन जगहों का जरूर वो तवज्जो देते हैं जो काफी फिट होते हैं, और फिटनेस को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही काफी स्ट्रिक्ट रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप फिट रहेंगे तो आप देश के प्रति और अधिक काम कर सकेंगे, देश के प्रति, लोगों के प्रति आप ज्यादा जुड़ाव कर सकेंगे। और इसी के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने मंत्रियों से भी कहते हैं कि वो खुद को फिट रखें, और इसी तरीके से फिटनेस को लेकर वो लगातार संदेश देते हुए भी नजर आते हैं। योग दिवस के मौके पर हर साल भारत समेत 150 से ज्यादा, अगर आप रखिए, क्योंकि कभी ये आंकड़ा 177 होता है, 170 होता है, 190 होता है, तो लगभग 150 के ऊपर जो देश हैं वो तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं योग के दिन पर। और इस साल भी विश्व भर में ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए, योग के लिए आयोजित किए गए हैं ताकि महिलाएं स्वस्थ हो, सशक्त हो और खुशहाल, उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे, उसको मदद करने के लिए योग की शक्ति पर हमने प्रकाश डाला है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप पर हमने ये थीम रखी है, और बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा, उनके विजन में ये चीज रहता है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो इंटरनेशनल योग डे का योग डे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस बार जिम्मेदारी इनको और बढ़ा दी गई है, इनकी जिम्मेदारी आपको किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं योग करते हुए मंच पर। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जिनके अध्यक्षता में इस बार बीजेपी ने फिर सरकार बनाई, एनडीए ने सहयोगियों की मदद से इस बार उन्हें स्वास्थ्य महकमा संभाला दिया गया है, और स्वास्थ्य मंत्री खुद नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा आपको मंच पर। ओम बिरला और सादी जयपुर से ये सीधे तस्वीर। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नियमित योग से जीवन में सुख शांति होती है, ये इसीलिए भी बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि जो करते हैं योग उन्हें नहीं छूता कोई भी रोग, भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखने का योग सबसे आसान तरीका है, और यही वजह है कि आज